गुरुजी की साखी हर शनिवार देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें प्रोत्साहन देने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्री गुरु नानक देव जी की अरेबिक यात्रा भाग 12 में आपने देखा कि रंजोत सिंह बुरी नीयत से सैयद प्रीतपाल सिंह और उनके परिवार को अपने घर ले आया ताकि उन्हें अमृतसर से दूर रखा जा सके, परंतु रंजोत सिंह की नीयत में खोट था और इस बात का पता सैयद प्रीतपाल सिंह और उनकी बीवी को हो चुका था। अब देखें आगे क्या हुआ। अगली सुबह रंजोत सिंह ने मुझे बिना किसी कारण मारना शुरू किया। छोड़ दो मुझे। मेरी पत्नी मुझे बहुत मुश्किलों से हमारे कमरे में अधमरी हालत में लाई। मेरी पत्नी इस बात से बहुत डरी हुई थी कि शायद रंजोत सिंह मेरी हत्या कर देगा। अब मुझे भी रंजोत सिंह की सच्चाई का पता चल चुका था। मेरी पत्नी बुरी तरह से टूट चुकी थी। अगली सुबह वह अमृत वेला के समय उठी और गुरुजी की अरदास करने लगी। हे वाहे गुरु, रंजोत सिंह को सद्बुद्धि दो, आओ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो गुरुजी। अभी वह अरदास कर ही रही थी कि रंजोत सिंह का नौकर हमारे पास आया और बोला, सरदार जी आप अपने को बचाओ, रंजोत सिंह आपकी बीवी को चाहता है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर आपको मारने का षड्यंत्र रच रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ, जो मैंने आपसे कहा वह किसी से मत कहना, बस अपनी जान बचाओ, जान बचाओ, अपनी जान बचाओ। बाबा जी गुरुजी आपके रूप में हमें बचाने आए हैं, आपका यह एहसान हम कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमने अपना सभी सामान वहाँ पर छोड़ दिया और नंगे पांव ही वहाँ से निकल पड़े। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और गुरुवाणी का शब्द जप रहा था, अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें और किसी सहायता की क्या जरूरत। जब मैं तेरा सेवक बनता हूँ तब तुम हमें सब कुछ दे देते हो, जब मैं तेरी सेवा में हूँ तो मुझे धन दौलत किसी और वस्तु की कोई कमी नहीं रहती। मैं तेरा नाम रूपी धन लोगों में बांटता हूँ और खुद भी इकट्ठा करता हूँ। तेरी कृपा से धरती के 84 लाख जीव मेरी सेवा करने लग जाते हैं। तू दुश्मनों को भी मित्र बना देता है। जब तुम मेरे साथ हो तो मेरा कोई बुरा क्या कर सकता है। जब तुम मुझे बख्शने वाले हो तो कोई नहीं है जो मुझसे मेरे कर्मों का हिसाब मांगे, क्योंकि गोविंद रूप गुरु को मिलकर मेरे अंदर ठंड पड़ जाती है, मुझे सुख प्राप्त होता है। जब तेरी रजा हो, तेरी कृपा मुझ पर हो तो मेरे सारे काम बन जाते हैं। जब तुम मेरे साथ हो तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। गुरुबाणी का यह शब्द उच्चारते हुए जून के गर्म महीने में हम नंगे पांव जंदियाला रेलवे स्टेशन लगभग 2 बजे पहुंचे। हमने स्टेशन मास्टर से निवेदन कर कहा, स्टेशन मास्टर जी हमारा यह टेलीग्राम SGPC अमृतसर पहुंचवा दे, बहुत जरूरी है। स्टेशन मास्टर मेरे नाम से मुझे पहचान गया, उसने मेरे बारे में अखबारों में पढ़ रखा था। हमने गुरुमुख स्टेशन ऑफिसर को अपनी पूरी आपबीती बताई। वह हमें तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन ले गया और हमारे ऊपर हुई अत्याचार की FIR दर्ज करवाई गई। इसके पश्चात स्टेशन मास्टर हमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिनका नाम दूला सिंह था उनके घर ले गया। दूला सिंह एक अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने गुरुद्वारा बनवा रखा था और गुरु का लंगर भी वह चलवाते थे। दूला सिंह जी ने हमें बड़े प्यार से अपने यहाँ रहने का स्थान दिया। उन्होंने वहाँ पुलिस स्टेशन में हमारे द्वारा की हुई FIR पर कार्रवाई जल्दी करवाने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन में अपना संदेश भी भिजवाया। माता बेचिंत कौर जो सरदार दूला सिंह की माँ थी वह बहुत ही नेक औरत थी, उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा। हमारे पास पहनने को दूसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं था, सभी कुछ तो हम रंजोत सिंह के यहाँ छोड़ आए थे। अब माता बेचिंत कौर ने हमारे लिए नए कपड़े व और जरूरी सामान का प्रबंध करवाया।
परंतु रंजोत सिंह ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने अपना एक परिचित हमारी जासूसी करने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने हमें ऐसा महसूस करवाया जैसे कि वह हमारा शुभचिंतक है, परंतु उसकी असलियत हमें तब पता चली जब रात में वह हमारा सारा सामान लेकर चला गया। फिर से अब हमारे पास कुछ नहीं था। हमने वाहेगुरु का सिमरन किया। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे मालिक, आप मुझे जिस भी हालत में रखोगे मैं उसी हालत में रहूंगा। हे वाहे गुरु, मुझे शक्ति दो ताकि मैं आप में अपना विश्वास बनाए रखूं। जिसने भी तेरी राह को चुना है, तुम्हें चुना है, उसे बड़ी हिम्मत से भुगतान करना पड़ा है, बलिदान देना पड़ा है। चाहे वो भाई मनी सिंह हो, चाहे भाई तारू सिंह और भाई सुबेग सिंह, वो तीन शहीद हैं जिन्होंने मुगलों को अपनी जान दे दी, परंतु गुरु का नाम नहीं छोड़ा। भाई मती दास का जब अधमरा शरीर धरती पर गिरा था तो उनके जो आखिरी शब्द थे वो जपजी साहिब के थे। एक भले गुरु सरदार सवरण सिंह ने हमें नए कपड़े दिलवाए। इसके पश्चात हम ओकारा से होते हुए बहावलपुर पहुँचे, जहाँ का नवाब रहीम खान था। उस शहर में एक बहुत ही भव्य गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे के सेक्रेटरी चनन सिंह ने हमारा स्वागत किया। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस आ रहा था और उस उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन हुआ। गुरुद्वारा प्रबंधक ने इस उपलक्ष्य में मुझे भी संगत के सामने अपने विचार रखने को कहा। मैंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं गुरुद्वारा कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे यह मौका दिया गया है कि मैं गुरुजी के बारे में आप सभी के सामने अपने दिल की बात रख सकूं। भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को पीर नियामतुल्लाह के बारे में बताने जा रहा हूं। पीर नियामतुल्लाह गुरुजी से 300 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। उन्होंने जो श्री गुरु नानक देव जी के बारे में भविष्यवाणी पारशियन में की, उसको मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, बाबर काल में एक फकीर जन्मेंगे और उनका नाम नानक होगा। सारी दुनिया उनको मानेगी, उनकी फकीरी के चर्चे गली गली में होंगे। खास तौर पर पंजाब प्रांत में वे अत्यंत ही प्रसिद्ध होंगे और जो लोग उन्हें मानेंगे वे सिख कहलाएंगे। सिख राष्ट्र लोगों को अत्याचार से त्याग दिलवाएगा। सिख लोग अपना जीवन अल्लाह की राह में और अत्याचार को खत्म करने के लिए न्यौछावर कर देंगे। लोग क्या कहते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे। सिख राष्ट्र लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलवाएगा और उनका शासन 40 सालों तक चलेगा। इसके पश्चात क्रिश्चियन लोगों के हाथों में शासन आ जाएगा और वो हिंदुस्तान पर राज करेंगे। ईश्वर स्वयं गुरु नानक देव जी के रूप में इस धरती पर जन्मेंगे। उन्हीं के 10वें अवतार अत्याचार को खत्म करेंगे। भाइयों, जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, वह भविष्यवाणी गुरुजी के धरती पर आगमन से 300 साल पहले कर दी गई थी। अब मैं आपको कुरान मजिद में जो सिखी के बारे में भविष्यवाणी की गई है वह बताने जा रहा हूँ। कुरान मस्जिद में लिखी हुई भविष्यवाणी कहती है, तुम लोग अपना मार्ग जब भटकोगे, जब तुम्हारा विश्वास परमात्मा के प्रति कम होगा, तब अल्लाह का एक राष्ट्र बनेगा जो खालिस लोगों का होगा। आप उस राष्ट्र को इस संकेत से जान पाओगे कि वे लोग गैर विश्वासी लोगों को दंड देंगे, उनके लिए कठोर होंगे, और जो ईश्वर को मानेगा उनके लिए वह नरम होंगे। वे लोग अपना जीवन अल्लाह की राह में और अत्याचार को खत्म करने के लिए नौछावर कर देंगे। लोग क्या कहते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह कहते हैं, मैं उन्हीं पर अपनी कृपा करूंगा जिनसे मैं प्रसन्न होऊंगा। अपने भाषण के तीसरे भाग में मैंने संगत को वह सब बताया जो मैंने मक्का मदीना में देखा और सुना। वहां से मैंने सभी मुस्लिमों को पुकारते हुए कहा, मेरे मुस्लिमों भाइयों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आप कुरान के अलावा अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ोगे तो आप एक अच्छे मुस्लिम बन पाओगे। मेरा यह भाषण बहुत से लोगों के गले के नीचे नहीं उतरा। शहर के हर एक मुल्ला ने अपना फर्ज समझते हुए मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मेरे खिलाफ लगभग 300 शिकायतें नवाब बहावलपुर के पास दर्ज करवाई गई। अगले दिन एक राज्य के मुस्लिम शासक ने मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का पत्र निकलवा दिया। गुरु पर्व के दिन मुझे, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को हिरासत में ले लिया गया।